हमारे टैक्स को फ्री में क्यों बांट रहे हैं? हम मेहनत करके कमाते हैं और वो फ्री में बांटते हैं। अपने बच्चों के फ्यूचर को देख के वोट देना, थोड़े से पैसों के लालच में मत देना। सब चीज़ फ्री मिलती है सर, जो कहते हैं गलत कहते हैं। बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, उसके अलावा दिल्ली बहुत बेहतरीन कर रखी है केजरीवाल जी ने। मैंने 2500 का बिजली बिल भरा हूँ, वो बिजली बिल हमारे रूम में पड़ा हुआ दिखा सकता हूँ। 50 साल से टैक्स दे रहे हैं इसलिए कि फ्री में बांटे और साफ सफाई ना करें। जिस आदमी ने अपने गुरु को धोखा दे दिया हो और अपने बच्चों की सरेआम झूठी कसमें खाई हो, वोट देने से पहले ना दिल्ली दंगों को भूलना, जिसमें हमारे सनातनी भाई कैसे मारा गया था उनको। केजरीवाल दिल्ली से भी भागेगा और बहुत जल्द इसी रोड पे भागते हुए देखोगे उसको आप। तो वो ऊपर से इतना इनोसेंट से दिखते हैं ना, अंदर से बिल्कुल ही चालाक है। और इवन अगर मैं तो बोलूंगी कि देशद्रोही भी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीत। दिल्ली एमसीडी चुनाव का प्रचार जोरों पर है। आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचे हैं, जहां जनता की राय जानेंगे कि वो एमसीडी चुनाव में वोट बीजेपी के लिए करेंगे या केजरीवाल के लिए। पिछले 15 साल से बीजेपी एमसीडी की सरताज है, लेकिन क्या इस बार भी बीजेपी अपनी बादशाहत को बरकरार रख पाएगी, यही जानेंगे मैं आज दिल्ली की जनता से। खान यही रहते हैं? हाँ, पहाड़गंज। किसे वोट करेंगे एमसीडी में? एमसीडी में वोट गया सर केजरीवाल ही ठीक है। अच्छा, हाँ। तो बिजली पानी फ्री मिल रहा है? सब चीज़ फ्री मिलती है सर, जो कहते हैं गलत कहते हैं। बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, उसके अलावा दिल्ली बहुत बेहतरीन कर रखी है केजरीवाल जी ने, और बहुत बढ़िया तरीके से स्कूल बना रखे हैं उन्होंने, सारा कुछ दिल्ली वालों को दिया है। हालांकि ये जो कहते हैं ना बीजेपी, ये ऐसा बीजेपी हो या देखो कोई भी सरकार हो, नहीं उस हाँ कि कुछ भी मुफ्त नहीं है दिल्ली में, सबका पैसा लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मिलता है। और है ना, लोग झूठ बोलते हैं बात अलग है, बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं है बीजेपी हो या केजरीवाल हो, लेकिन जो इंसान काम करता है उसका काम दिखता है तो वो बोलता है इंसान। ये झूठ क्यों बोलेंगे अब? ये क्यों, ये जाने इनको नहीं मिल रहा, जाके है ना फॉर्म भरें अगर नहीं मिलता है तो। बाकी बिजली पानी फ्री है सब। अभी इस महीने 2500 का बिजली बिल भरा हूँ, वो बिजली बिल हमारे रूम में पड़ा हुआ दिखा सकता हूँ। 2500 का बिजली बिल भरा हूँ, 4 रूम का। मैडम आपका, मैं आपका शो हमेशा देखती हूँ। थैंक यू मैम, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, कैपिटल टीवी तो वन ऑफ माय फेवरेट चैनल। थैंक यू मैम, थैंक यू। किसे वोट करेंगे? मोदी जी, उसके कई रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं उसके। सबसे बड़ी बात, जो अगर हम अरविंद केजरीवाल की पॉलिसीज़ पर जाएं, उन्होंने जैसे मैं आप लोग की डिबेट्स वगैरह सुनती हूँ, अरविंद केजरीवाल बहुत ही कॉन्स्पिरेसी करता है, दिल का एक नंबर का एक। ओके, आई विल कंट्रोल माय वर्ड्स। जो वो ऊपर से इतना इनोसेंट से दिखते हैं ना, अंदर से बिल्कुल ही चालाक हैं। और इवन अगर मैं तो बोलूँगी कि देशद्रोही भी है, वो हमारे हिंदू समाज के लिए नहीं है। मैं तो दिल्ली वालों से सिर्फ इतनी इन शॉर्ट बात करूंगी, आप लोग तो बहुत खुश होते हो कि फ्री बिजली, फ्री पानी, ठीक है फ्री में क्या मिलता है क्वालिटी वो आप लोग को पता, फ्री में बस का सफ़र करके स्त्रियों को क्या इज्जत मिलती है वो उनको पता, बट कभी अपने बच्चों का फ्यूचर सोचा है? मुसलमान लोग कहते हैं पहले वो फ्यूचर सोचते हैं बाद में वोट देते हैं, और हम हिंदू सनातनी लोग कभी भी अपना फ्यूचर नहीं सोचते, सिर्फ अपना प्रेजेंट सोचते हैं। वोट देने से पहले ना दिल्ली दंगों को भूलना, जिसमें हमारे सनातनी भाई कैसे मारा गया था उनको। नहीं, ये टाइम मोशंस का नहीं है, ये टाइम वोट के लिए अप्रोच करने का है। दूसरा, आप लोग जो सनातनी थोड़े से पैसों में इतने खुश हो जाते हो, कभी सोचा है कि वक्त बोर्ड को 101 करोड़ रुपया जो मिला है उसके आगे आपके जो फ्री की जो हैं क्या वैल्यू है? कभी वोट देने से पहले वो ज़रूर सोचना। और भी बहुत सी बातें हैं, इन शॉर्ट अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी यही है, वो लोगों को बांटते हैं। कैसे लोगों को बांट के वोट लेते हैं? कुछ जो ग्रीडी पर्सन होते हैं, सबसे पहले तो उनको वोट बांट दिया, दे लाइक्स केजरीवाल, क्योंकि उन्हें लालच है। दूसरा, जो मोदी जी को पसंद नहीं करते वो केजरीवाल को वोट देते हैं, ऐसे उन्होंने कैटेगरीज में बांट बांट के लोगों को फंसाया हुआ है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के फ्यूचर को देख के वोट देना, थोड़े से पैसों के लालच में मत देना, अपने बच्चों का फ्यूचर देख के। और इन जो इतने इन दिनों में जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे ना,
उनको भूलना मत, भूले तो देखना फिर क्या होगा हमारे बच्चों का फ्यूचर। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद उमर। किसे करेंगे वोट एमसीडी में? बीजेपी को। बीजेपी को? केजरीवाल को नहीं देंगे? नहीं देंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा विकास कर दिया, दिल्ली मॉडल है यहाँ केजरीवाल का। सिर्फ कोई मॉडल वॉडल कुछ नहीं है, केजरीवाल जी ने फ्री बांट बांट के लोगों को जो है अपना मुफ्त में जीना सिखा दिया उसने, कि फ्री में बांटते रहो उनको देते रहो। नहीं, लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि फ्री नहीं है। क्यों नहीं बांटा साहब? उन्होंने हमारे टैक्स को उन्होंने फ्री में बांटा है। हमारे टैक्स को फ्री में क्यों बांट रहे हैं? हम मेहनत करके कमाते हैं और वो फ्री में बांटते हैं, क्यों भाई? भाई केजरीवाल जी को रहम नहीं आता हम जैसे लोगों के ऊपर, कि जो लोग टैक्स देते हैं उनके पैसे को फ्री में बांट रहे हैं। टैक्स पेयर्स का 101 करोड़ रुपए वक्फ को दे दिया। हाँ, क्यों दिया और क्यों बांट रहे हैं साहब फ्री में? कौन होते हैं ये? ये कौन होते हैं? अरे मोदी कम से कम कहता काम तो करता है, मोदी कहता काम तो करता है, पब्लिक के अंदर दहशत तो आई है कि हाँ जी मोदी कहीं कुछ बोल ना दे, नहीं तो वो काम पूरा करेगा, वो करके दिखा देगा। फिर अरे भाई ग्रीनरी पे काम कर, डस्ट फ्री कर शहर को क्राइम मुक्त करो, ये कैसे होएगा? आप एक गाड़ी छोड़ते हैं और उससे पानी का फुहारा दिखा देते हैं। अरे कॉलोनियों में देखना निजामुद्दीन के अंदर कितनी डस्ट पड़ी हुई है, लोग बाग खांसियों से कैसे परेशान है। अभी खाली केजरीवाल जी खांसते थे, अब आवाम खांस रही है, क्या मतलब है? अपनी बीमारी पूरी आवाम को दे दी, 135 करोड़ को लोगों को जो है खांसी की बीमारी लगा दी। हमें भी अब दिल्ली छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है, काहे को जा रहे हैं हम? अरे हमने बच्चे पाले, अपने यहाँ पे जिंदगी गुजारी है, पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, और अब हमें दिल्ली शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है। चलो 50 साल से टैक्स दे रहे हैं इसलिए कि फ्री में बांटे और साफ सफाई ना करें। अब ये पानी क्यों पड़ा रहता है यहाँ पर? क्यों नहीं ग्रीनरी लगाते हैं यहाँ पर? ये हर चीज़ के लिए कहना पड़ेगा क्या नेता को? अरे नेता सड़क पर उतर के खुद देखना आकर कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। बस यार ज़्यादा हो जाएगी, नहीं तो मेरे दुश्मन बन जाएंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अरुण कुमार। एमसीडी में किसे वोट करेंगे? एमसीडी में मैं तो भारतीय जनता पार्टी को करूंगा। केजरीवाल को क्यों नहीं? केजरीवाल को कैसे उसके ऊपर भरोसा करूँ? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सर्विस। जिस आदमी ने अपने गुरु को धोखा दे दिया हो और अपने बच्चों की सरेआम झूठी कसमें खाई हो, क्या कह रहा था? बच्चों की कसम खाई थी और ये कह रहा था मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी सुख सुविधाएं नहीं लूंगा, फिर भी ली। मैं दिल्ली के बुराड़ी एरिया का रहने वाला हूँ। दिल्ली में बुराड़ी का जो विधायक है उसका नाम है संजीव झा। आजकल वो प्रवक्ता बन के आ रहा है आम आदमी पार्टी का। आजकल आम आदमी पार्टी का वो प्रवक्ता बन के आ रहा है भाई साहब। पहले उसकी तो ऐसी हालत थी कि वो जहाँ भी हमारी बुराड़ी में कोई बड़ा बुजुर्ग देख लेता था ना, सीधा पाँव छूता था। आज वो चाहता है कि जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो मेरे पाँव छुएं। ये इतने मक्काद लोग हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि एमसीडी में इस बार भी केजरीवाल खेल खत्म है? अब इनका खेल खत्म है भाई साहब। हमें ताहिर हुसैन जैसे निगम पार्षद नहीं चाहिए, दंगे थोड़ी कराने हैं भाई साहब। एक बात बताइए, 2020 में जो हंगामे जो हुए थे, 2020 में जो हंगामे, एक कॉन्स्टेबल मारा गया था, पता होगा आपको, वो कॉन्स्टेबल हमारी बुराड़ी का था। अच्छा। उसी समय उनके घर पे ये केजरीवाल पहुंचा है। केजरीवाल के पहुंचते ही वहां पे हंगामा शुरू हो गया और केजरीवाल को दुम दबा के भागना पड़ा वहां से। उसी तरीके से केजरीवाल दिल्ली से भी भागेगा और बहुत जल्द इसी रोड पे भागते हुए देखोगे उसको। आज केजरीवाल की वो वैगनार कहाँ है जिसको वो लेके वहां जाता था रामजिला मैदान में? वो कहता था कि मैं अपनी वैगनार कार नहीं छोड़ूंगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने उसको देखा था भाई साहब, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है। बताओ कितना झूठा आदमी है। अरे कम से कम बच्चों की कसम तो झूठी मत खा, बच्चों की कसम तो भाई साहब। इसके जितने भी लोग हैं ना, जितने भी निगम पार्षद है, जितने भी MLA हैं, उनके ऊपर भरोसा मत करना, चाहे अपने बच्चों की कसम खा ले या माँ बापों की कसम खा ले, ये भरोसे के लायक है। तो देखा आपने, ये थी दिल्ली की जनता की राय। दिल्ली की जनता कोई केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बता रहा है तो कोई गद्दार। दिल्ली की जनता चाहती है कि एक बार फिर BJP MCD की सरताज बने। कैमरामैन अशोक के साथ मैं अभिषेक पुंडीर, Capital TV। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।